तो छोटा मोटा तो काम है और जो दबी हुई है ये हो जाएगी गाड़ी ठीक, और कम से कम तीन चार दिन लगेंगे गाड़ी ठीक होने में। तो गाइस देखो अभी हम आ चुके हैं और ये खड़ी अपनी गाड़ी, तो भाई हो चुका है यहाँ पे पेंट कंप्लीट और क्या चमक आई है बम्पर में, जरा देखो तो क्या बढ़िया लग रहा है ना, यानी कि ब्लिंक ब्लिंक कर जा रही है, स्टार्ट नहीं हो रही। तो एक बार में गाड़ी चालू हो रही तो हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज जैसा आपने पहले पिछले व्लॉग में देख लिया क्या क्या काम कराया, ठीक है, तो पूरा तब गाड़ी अब सस्पेंशन का काम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और गाइज यही दुकान थी देखो इधर इस गली के अंदर जाके, अगर किसी को भी कुछ काम कराना है अगर सस्पेंशन का तो आप बता देना, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा और बता दूंगा जैसे कराना है। तो बढ़िया काम करते हैं, है छोटी दुकान बट काम अच्छा है उनका और बढ़िया है ना। तो आज हम जाने वाले यार गाड़ी में इसका काम कराने डेंट पेंट का, क्योंकि गाड़ी तो भाई बहुत ठुकरी है हर जगह से और अपनी गाड़ी के व्लॉग्स भी नहीं आ रहे ना रील्स आ रही अच्छी अच्छी, तो गाड़ी गंदी भी हो रही थी और इसका ना इसका शीशा भी चेंज कराना है। तो काफ़ी काम है अब गाड़ी में कराने के लिए, क्योंकि गाड़ी का बिल्कुल ऐसा हो रहा है मतलब कि गंदी से हो रही है गाड़ी, मतलब गंदी इन द सेंस की कहीं से ठुकरी है, कहीं से कुछ नहीं हो रहा, कहीं से कुछ नहीं हो रहा। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को अपने मेंटेन रखना चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगता है ना। तो इसलिए अब गाड़ी को हर जगह से सही कराएंगे, बढ़िया कराएंगे और अपनी गाड़ी की रील्स दोबारा वापस आएंगे बढ़िया बढ़िया नई नई तरीके की, है ना। तो गाइस और उसके बाद फिर हम मिलते हैं सीधा रास्ते में, और रास्ते के बाद आपको मिल दूंगा वहाँ पे सीधा इंद्रपुरम, और गाड़ी में क्या काम है सिर्फ देख आएंगे। इस बार ज़्यादा कोई लंबा नहीं खींचेंगे पहले वाले की तरह कि लंबा व्लॉग खींच रहे हैं डेंट पेंट का, आपने देख रहेगा कैसे होता है कैसे नहीं होता है, सीधा दूंगा और सीधा स्किप करके सीधा जब गाड़ी रेडी हो जाएगी तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी चलते हैं रास्ते में मिलता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम ही मिलेंगे सीधा इंद्रपुरम में। चलो गाइस अभी आ गए हैं दुकान पे, देखो ये वही दुकान जहाँ पाए पहले थे हम, ठीक है, और ये अपनी गाड़ी, तो गाड़ी खड़ी हुई है। अब चलते हैं दुकान के अंदर और पूछते हैं क्या क्या खर्चा बैठेगा और क्या क्या आएगा इसमें, और आपको मिलते हैं इसके तब उनके पास क्या क्या बताएंगे इसमें क्या क्या होगा काम कितने दिन में होगा, ठीक है, तब मिलते हैं उनके पास आके फिर बताते हैं आपको क्या क्या होने वाला है इसमें। तो गाइस फिर हमने बात कर ली है, अब ये जो छोटा मोटा जो काम है और जो दबी हुई है भाई जो बता रहा हूँ इसमें काम होगा कल चालू, ठीक है। तो अभी इतने दिन यहाँ खड़ी रहेगी गाड़ी अपनी और खड़ी रहेगी, उसके बाद फिर आपको मिलेंगे सीधा तीन चार दिन बाद जब ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो भाई छोड़ दी अपनी गाड़ी और अब चलते हैं अर्जुन के साथ सेंट्रो से। हैं इसने गाड़ी लगा दी यहाँ पे, गाड़ी लगा देता है शर्म नहीं आती इन लोगों को, है हाँ ध्यान लोगों थोड़ा ना देखा करो पार्किंग करते हुए अगर कोई भी हो, स्कूटी आगे करके गाड़ी निकाल ली अपनी। चलो भाई अब चलते हैं, चलो भाई अब तरुण चलाएगा सेंट्रो, तो नो सेंट्रो का ही चल रही है, पिकअप तो बढ़िया था हमारी वाली, सेंट्रो पे अच्छा इधर ही है ना नीचे, अच्छा। तो गाइस अब तो यही होने वाला है, अब हम मिलेंगे आपको तीन चार दिन बाद जब गाड़ी सही होगी सीधा तभी दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस बार तो छोड़ नहीं रहे हम गाड़ी, सॉरी इस बार तो हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम आएंगे दोबारा जाएंगे आएंगे जाएंगे, इस बार छोड़ के सीधा जब हो जाएगी ना पूरी तभी मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं घर। वन वीक लेटर। तो हे गाइस ये है एक हफ्ते बाद, ठीक है, और एक हफ्ते बाद पूरा हम ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, पूरा कंटिन्यू कर रहा हूँ, हफ्ता भर हो गया मतलब गाड़ी अभी सही होके नहीं आई है, आ जाइए एक हफ्ता भर हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना जो सही कर रहे थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी बेसिकली, ठीक है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर डिले काफ़ी ज़्यादा हो गया, इस वजह से तो अब आज जा रहे हम और आज करवाएंगे मतलब आज लेके आएंगे, और क्योंकि अब क्या सीन है यहाँ पे हम फ्रंट मिरर भी लगवाने वाले हैं वहाँ से उधर से ही वो लगवा देंगे फ्रंट मिरर, जो आगे का क्रैक हो रहा था हमारा तो वो भी लग जाएगा, तो वो भी फिर बढ़िया हो जाएगा। और अब निकल रहे हैं, देखो सिल्वर पहन रखी है मतलब बाइक से जा रहा हूँ आज, तो गाइस निकल चुके हैं अब हम जा रहे हैं, और हाँ वैसे धूप इतनी हो नहीं रही जो मैंने पहन रखे बट ठीक है पहन रखे हैं, अब हम सीधे चलते हैं वहाँ पे, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि आवाज़ तेज चल रही है ना, तो अब सीधे दुकान पर चलते हैं आप लोगों को सीधे दुकान पर मिलूँगा। तो गाइस देखो अभी हम आ चुके हैं और ये खड़ी अपनी गाड़ी हमारे पीछे से तो सही लग रही है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल यहाँ से, और साइड से भी देखते जाओ थोड़ी गंदी हो रही है बस, बहुत टाइम खड़ी होगी ना, देखो क्या धूल मिट्टी हो रखी भाई हद है, ठीक है, बट कोई बात नहीं है थोड़ा बहुत यहाँ से कर रहे हैं, इसे भी निकाल देते हाँ चलो वो तो रहेगी, और यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत पेंट रह रहा है वो होके फिर हो जाएगी कम्प्लीट, फिर रह जाएगी बस फिर रबिंग फिर रबिंग करवाने आ जाएंगे, रबिंग होने के बाद फिर अपनी गाड़ी ओके हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, और अब होने देते हैं। अब इसका देखो टायर भी लगवाना है, टायर का पूरा पंचर हो चुका है, देखो ये गेट यहाँ खुला पड़ा है और ये टायर में पंचर लगवाना है हमें, क्योंकि टायर में बता रहे हैं पंचर होता था नहीं कैसे मुझे नहीं पता, अब टायर पंचर भी लगवाना है इसका और अब गाड़ी मिल जाएगी भाई, बहुत दिन बाद बहुत गाड़ी की याद आ रही थी यार, चलो फिर
अब रखते हैं इसको भी। गाइस देखो ये अभी तैयार पेंट होने के लिए, और अपनी गाड़ी बिल्कुल पैक कर दी है। यहाँ पे तो बम्पर पेंट होने वाला है और सब चीज तो हो चुकी है वैसे, यहाँ तक हर चीज परफेक्ट है, बस यहाँ से अपना बम्पर होने वाला बस। ठीक है, तो कैसी लग रही है भाई न्यूज पेपर अपनी गाड़ी देखो। और गाइस ये बिल्कुल नया बम्पर लगवाया है इन्होंने, ठीक है देख लो बिल्कुल नया बम्पर लग रहा है। देखो देखो यहाँ से बिल्कुल नया, अभी तुम्हें पता नहीं पड़ रहा होगा लेकिन मैं देख रहा हूँ ना बिल्कुल नया, जो अलग सा बम्पर होता है साफ दिख जाता है लेकिन ये बिल्कुल नया बम्पर है और बढ़िया है ना। तो अपनी गाड़ी होने वाली है अभी पेंट, और जब पेंट होगी तो आपको दिखाता हूँ। चलो भाई ये होने लग गया पेंट चालू, और आप पेंट और बिल्कुल मैच हो जाएगा, पेंट बढ़िया हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा पेंट होने को। तो पूरा पेंट हो जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आते हैं और कैसा लगता है। ठीक है, तो भाई हो चुका है यहाँ पे पेंट कंप्लीट, और क्या चमक आई है बम्पर में जरा देखो तो एक बार, क्या बढ़िया लग रहा है ना। और नंबर प्लेट के हटाने के बाद तो ये अलग ही लगती है भाई गाड़ी। तो भाई तुम्हें जरा दिखाता हूँ गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही, जरा देखो लाइट आ गई है, यानी कि ब्लिंक ब्लिंक कर जा रही है। देखो चाबी घुमा रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रही इसकी बैटरी में दिक्कत है, बैटरी से बैटरी लगा के इसमें चालू करनी पड़ेगी इसको, और कुछ नहीं कर सकते। तुमने क्या हालत हो गया गाड़ी का, पूरी गंदी हो गई, साफ भी करानी पड़ेगी यार। अब रोज स्टार्ट कराता हूँ भाई, अपने फॉग लैंप भी लग गए यहाँ पे, और फिर बैटरी लगाते हैं फिर चालू करते हैं गाड़ी को, है ना भाई। हाँ भाई। तो भाई ले आया है बैटरी, अभी ये बैटरी डलेगी। लो भाई ये लगा रहे हैं बैटरी, और तुम चालू करो। अरे दे दियो। लो एक बार में गाड़ी चालू हो गई, वाह बहुत मौका है निकला सर। तो गाड़ी है ना ना, तो पेट्रोल पे कर रहे हो तुमने गाड़ी? गाने बजाओ, धमाल 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 गाने पसंद है तुम्हें? तो गाइस गाड़ी तो भी पेट्रोल भर रही थी पता नहीं क्यों, अब जरा इसका देखते हैं ये चालू है सही। चलो ये तो चालू है, ये क्या कर दिया उल्टा काम हो गया। अब वहां का देखते हैं एक बार, ये सही है। चलो चलो ये तो ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसे सही कराना पड़ेगा। तो भैया कर दिया ये इसे सही, अब देखते हैं जरा। तू देखो, आओ देखे कैसी है, डब्बे चल रही क्या देखो कौन सी। तो गाइस ये अभी टायर हो रहा है, इसका पंचर लगवाना है हमें, तो पंचर भी लगवाना है अभी, अब चलते हैं। और इसका जो विंडशील्ड है ना दो गाइस, ये देखो ये भी अगली बार आएंगे रबिंग के टाइम तो ये भी चेंज होगी, रबिंग भी होगी और इसकी बैक लाइट भी लगेगी। तो दो तीन काम होंगे, पिछली बार परसों कुछ बुला रहे हैं तब होगा मेरे ख्याल से काम। और इसकी चलो लाइट तो ठीक है, मैं पता नहीं क्या दिक्कत आ रही इसमें हो नहीं रही, बाद में वैसे भी फोल लैंप नहीं लेना, अच्छा लूँगा और ज़्यादा हम बढ़िया जो एक नंबर होता है ना, इसकी लाइट होती बढ़िया और ले लेना मुझे। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसका पंचर लगवाने, और फिर व्लॉग को अभी थोड़ी देर में एंड करता हूँ। तो गाइज मैं अब घर के लिए निकल चुका हूँ, गाड़ी ये चला रहा हूँ, ठीक है बढ़िया, बहुत दिनों बाद गाड़ी चला रहा हूँ और भाई बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अपनी गाड़ी की तो फील अलग होती है यार, कम से कम हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, ठीक है हफ्ते भर से ज्यादा हो गया अपनी गाड़ी को, और अब मतलब हफ्ता भर मान लो हफ्ते भर से एक दो दिन ज्यादा, मतलब वही 8-9 दिन, ठीक है इतने दिन हो गए भाई कम से कम, मुझे लग रहा है मैंने याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट कब दी थी मैंने गाड़ी। तो भाई मजे तो आ रहे भाई अपनी गाड़ी चलाने में, ठीक है पंचर लगवाने के बाद फिर घर निकल, घर के पास ही पंचर लगाऊंगा फिर हम घर निकल जाएंगे। और फिर गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, तो फिर गाइज मिलते हैं इसके नई नेक्स्ट वीडियो में, और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको विंडशीट बदलती हुई देखेगी, और पीछे की हेडलाइट मॉडिफिकेशन और सामने की फ्रंट लाइट मॉडिफिकेशन जो मेन एलईडी है इसकी, उन सब की मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी गाइज आपको। मैं आपको आगे वाला बता रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है इस गाड़ी में अब, ठीक है तो भाई बढ़िया बड़ी चीज़ होने वाली है, अगले व्लॉग के लिए आप वेट करना, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय।